सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों का जो एनएमई होगा उसकी लोकेशन आपको पहले ही पता लग जाएगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फ्री फायर गेम के अंदर एक ऐसा भी कैरेक्टर अवेलेबल है जो कि गोल्ड में मिलता है, और इस कैरेक्टर की एबिलिटी को जान करके आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो उस कैरेक्टर का नाम है मोको कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के अंदर दो एबिलिटी है, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अपडेट के बाद इस कैरेक्टर की एबिलिटी में काफी सारे चेंजेस भी करे गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर लोग बात करेंगे एलाइट मोको कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। दूसरे स्टेप में हम लोग इसकी एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, और फाइनल स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो एलाइट मोको है इसके साथ में बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा और आप लोगों को इस कैरेक्टर को किस तरह से यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर हम लोग बात करते हैं एलाइट मोको और मोको कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो एलाइट मोको और मोको कैरेक्टर आप लोगों को गोल्ड में अवेलेबल मिल जाता है, तो आप लोग इस कैरेक्टर को स्टोर में जाकर के इजिली बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग मोको कैरेक्टर को लेवल 6 पर अपग्रेड कर लेते हैं तो इस कैरेक्टर की जो एबिलिटी है उसका आप लोग पूरा फायदा उठा पाएंगे। लेवल 6 पर अपग्रेड करने के बाद अगर आप लोगों की गोली किसी भी एक एनिमी को हिट करती है, आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम को मैप में पता लग जाएगा कि बंदा कहां पर है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, आपने किसी बंदे को गोली हिट किया और उसकी लोकेशन आपकी पूरी टीम को ही पता लग गई है, पूरी स्क्वाड को पता लग गई है, तो आप लोग सामने वाली स्क्वाड के ऊपर इजिली रश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों का जो एनिमी है वो कहां पर है। तो एलाइट मोको आप लोगों के लिए एक बेहतर कैरेक्टर साबित हो सकता है अगर आप लोग इस कैरेक्टर का सही तरह से यूज करते हैं। अगर आप लोग मोको के साथ में एलाइट मोको की एबिलिटी को भी ऑन कर लेते हैं तो आप लोगों का जो टाइमिंग होगा वो 5 सेकंड से बढ़कर के 6.5 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जो टैग होगा वो आपका नॉर्मल एबिलिटी के साथ 5 सेकंड तक ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको एलाइट मोको की एबिलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, टैग रहने का टाइम होता है वो 6.5 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से एलाइट मोको और मोको की एबिलिटी काम करती है। अब इसकी एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक साइड मोको की एबिलिटी चल रही है और दूसरे साइड में नॉर्मल कैरेक्टर की एबिलिटी चल रही है। जैसे ही मैंने एक एनिमी को गोली से हिट किया तो आप लोग खुद ही चेक कर सकते हैं, जैसे ही मैंने किसी बंदे को हिट किया तो मेरे मैप पर पता लग गया है कि इन बंदा कहां पर है, लेकिन दूसरे साइड में पता नहीं लग रहा है कि बंदा कहां पर है। तो लाइट मोको की एबिलिटी आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइट मोको कैरेक्टर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कैरेक्टर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं लाइट मोको की बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। इस कैरेक्टर के साथ में आप लोग एक्टिव स्लॉट में वुकोंग कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज कर सकते हैं, और बाकी के 3 स्लॉट में आप लोग हयातो कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, कैली कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, और फाइनल स्टेप में आप लोग मोको कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज कर सकते हैं। मोको कैरेक्टर आप लोगों को क्लैश स्क्वाड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एनिमी की लोकेशन रिवील करने में, और फुल मैप में भी अगर आप लोग चाहें तो इस कैरेक्टर को ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा फुल मैप में ले जाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और एलाइट मोको की एबिलिटी पसंद आई होगी। मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग किसी भी कैरेक्टर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या काम है, तो आप लोगों को लेफ्ट या राइट बटन में भी वीडियो दिख रही होगी। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।